He is forever known as the man who has ruled the streets of Charminar for the last 25 years. Not 25 years. Only 10 years. Only. Okay, come on. But yeah, it's been 10 years after the release of Angrez, so that's 35 years. In total. So 35 saal bol raha hai. 35 saal se Charminar mein hai. And he has become an icon for the Hyderabadi common man. I'm talking about none other than Veer Charan Srivastav ji. Known as Ismail Bhai. Known as our very own Ismail Bhai. सबसे पहले सबको नमस्कार, श्रीकाल, सलाम अलैकुम. मैं धीर चरण श्रीवास्तव, नोन एज इस्माइल भाई. इस्माइल भाई का नाम वर्ल्ड वाइड मशहूर हो गया है. लोग मेरा असल नाम भी नहीं जानते, अब लोग मुझे इस्माइल भाई के नाम से ही पहचानते हैं और इस्माइल भाई के नाम से ही फीड कर दे मोबाइल में नंबर. तो काफ़ी मुझे शोहरत मिली. 2006 में हमारी पिक्चर रिलीज़ हुई थी और 365 डेज चली एक सिंगल थिएटर में, रामाकृष्णा में. ऐसे तो 2-3 वीक्स बहुत काफ़ी थिएटर में चली. उसके बाद कैरेक्टर्स जो मशहूर हुए जैसे सलीम पेक हुए, जहांगीर है, और हमारी गैंग बहुत नाम कमाए एंड बहुत सारे पिक्चर्स कर रहे हैं हम लोग. अभी तक मैं 25 मूवीज कर दिया हूँ. अभी लास्ट मूवी मेरा गब्बर सिंह 2, जो पवन कल्याण इज अ पावर स्टार ऑफ टॉलीवुड जी, इनके साथ मेरा लीड रोल है और इट्स गेटिंग रिलीज इन April 8th ऑल ओवर वर्ल्ड. 4500 थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है, हिंदी में 800 थिएटर में रिलीज़ हो रही है और बाकी के तेलुगु में रिलीज़ हो रही है. एंड अभी एक मेरी एक और मूवी स्टार्ट हो रही है, हॉट सीट. दैट इज़ अ कॉमेडी, टोटल कॉमेडी, और उसमें हैदराबाद के स्टार्स कोई नहीं है, उसमें पूरे बॉलीवुड के स्टार्स हैं जी. स्टार्स माने एज पर अवर रिक्वायरमेंट. सो इट्स बीन अभी 10 साल हो गए हैं अंग्रेज के रिलीज के बाद जी, और अभी भी आज भी सबके मन में इट इज स्टिल फ्रेश द मूवी. आप कहीं भी जाओ अभी भी डायलॉग्स चलते रहते हैं अंग्रेज के हैदराबाद में. तो उसका मैजिक, व्हाट इज द मैजिक बिहाइंड अंग्रेज? मैजिक क्या है उसका? देखिए, इट वाज हैदराबाद का एक लिंगो है उसमें, और हैदराबादी डेक्कनी लैंग्वेज हम लोग यूज करें. अभी तक महमूद साहब और बाकी जितने भी करे वो मद्रासी और बेंगलुरी टाइप करे, खाकवायसो जी जाके, बट डेक्कनी हैदराबादी मूवी वॉज द फर्स्ट मूवी विच फुल फ्लेश विद अंग्रेज मूवी. वाई इट इज सो पॉपुलर मीन्स जो हम लोग कैरेक्टर करें, इट वॉज कनेक्टेड टू एवरी वन. वो लोग के जो कॉलेज लाइफ में हुआ इंसिडेंट, चाय पीना, टोपी डालना, वो पूरे लोग के साथ हो चुका सो था. और जो जितने भी लोग हैं 8 साल से लेके 80 साल तक बुड्ढे हमारे पिक्चर को देखे और हम लोग को बहुत दुआ दिए. इसका मेन रीज़न क्या है? इससे कॉमेडी और हैदराबादी लैंग्वेज काफ़ी मशहूर है ऑल ओवर वर्ल्ड में. जैसे अपन लोग, हम लोग की अपनी हिंदी में, हैदराबादी हिंदी में बहुत सारी डिफरेंस है. जैसे आप, हम बोलते हैं नक्को बोलते हैं, नक्को माने अगर यूपी साइड अगर जाएंगे तो नहीं चाहिए बोलते हैं, हम लोग नक्को बोलते हैं. तो वहाँ कॉमेडी एरर होता तो लोग हंसना शुरू करते हैं, नक्को क्या है, इट इज़ लाइक दैट. ऐसे काफ़ी वर्ड्स हैं जो मैं, आई कैन नॉट टेल यू, लॉट ऑफ वर्ड्स आते हैं. सो इट वॉज अ कॉमेडी एरर एक्चुअली. It's very relatable to everyone. Yeah, it was connected to everyone of the age of 25 to 50 years, what they have gone through in their lives. Exactly. See, my career start was at the age of 38 years. 38. Now I'm 49 years. मेरे को 10-11 साल हो गए इंडस्ट्री में आके. जी. 11 साल में मैं 25 पिक्चर्स करा और काफी फैन फॉलोइंग है मेरी, नहीं सलीम की भी है, जहांगीर की भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा टीम वर्क करे थे बैठ के और काफ़ी मेहनत करे हम लोग उस पर. और जब रील था, नेगेटिव कैमरा था, जब हम लोग शूट करे, आजकल तो डिजिटल का ज़माना आ गया तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए इसमें कैमरा वर्क्स में. तो वो टाइम अलग था, बट वॉज द लास्ट 2006 to 2009 हम लोग जो भी 3 मूवीज़ किए थे साथ में, हंगामा इन दुबई है और हैदराबाद नवाब्स है, दैट वॉज अ पीरियड वेयर प्रोड्यूसर वॉज हैज टू पुट लॉट ऑफ मनी. वाई? बिकॉज ए रील कंटेन्स ओनली 300 फीट. इफ यू टेक रीटेक्स तो वो 12,000 उसके डूब गए, फेंक देना पड़ता. तो जब को और आपको बहुत सारा डिफरेंस आ गया है
क्योंकि डिजिटल में आप कितना भी करो हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे, डेमोक्रेटाइज हो गया. हाँ, तो इट वाज फिल्म मेकिंग बिकम वेरी मच मोर इजियर. एक और बात बोलता हूँ, जैसा हैदराबादी मूवीज बनाते हैं तो इसके प्रोड्यूसर के पास उतना पैसा नहीं रहता, क्योंकि हैज़ टू प्रमोट द मूवी, पूरे चैनल्स पे प्रमोट करना पड़ता है. अगर सपोज मैं 50 लाख की पिक्चर बनाया तो एटलीस्ट आई नीड 1 करोड़ फॉर एड्स टू रिलीज ऑल ओवर इंडिया, तब जाके आपकी पिक्चर होती. अंग्रेज ऐसी पिक्चर थी, इट वॉज ए कल्ट मूवी, इट वॉज अ क्रॉस ओवर मूवी, इट इज़ ए कल्ट मूवी एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड. Most of them they have seen on DVDs. Why? Because it was not released in theaters, yeah. other parts of India. Yeah, yeah. Even in foreign countries like Dubai, where Dubai shoot पे गया था, तो बहुत सारे लोग बोले हम आपकी DVD black में खरीद के देखते थे. अमेरिका में मेरे friends हैं, मेरी family आई थी, UK में भी है, तो लोग एक DVD से copy करके $20-$20 $50-$50 में बेचे. DVD अंग्रेज ऐसा मशहूर ही हुआ. It was only mouth publicity. Not with advertisement. That was the only movie. Piracy also eats away the money from the industry. तो ये क्या पॉजिटिव चीज़ है कि word of mouth भी हो रहा है piracy की वजह से, पर producer का नुकसान भी हो रहा है. हाँ, वैसे तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक problem क्या आ गया, piracy को कितना भी control करो नहीं कर सक रहे. आजकल internet का ज़माना आ गया. एक movie के लिए इतनी theater में, अब आपको एक बात बोलता हूँ, 4,500 theater में release करेंगे, उनका जितना पैसा लगा है विदिन वन वीक आ जाएगा. वन वीक के बाद अगर पायरेसी हो गई तो प्रॉब्लम ही नहीं है. आजकल तो नेक्स्ट डे ही हो जा रही है, लोग नेट पे देख रहे हैं, ऑनलाइन पे देख रहे हैं, तो प्रोड्यूसर को लॉस है. पायरेसी कंट्रोल करना चाहिए, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. तो हम लोग अंग्रेज के टाइम पे एक बहुत अच्छा काम किया करते थे. फर्स्ट वीक तो कोई नहीं देखा पिक्चर आके, सेकेंड वीक आए लोग, थर्ड वीक से जो बहुत पब्लिसिटी लोग प्रचार करना शुरू करे, मोस्ट ऑफ द थिएटर वॉज हाउसफुल. तो उसके बाद हम लोग 4-5 वीक्स के बाद हम लोग क्या करें, पूरे थिएटर्स में निकाल के एक ही थिएटर में पायरेसी भी कंट्रोल करें, क्योंकि पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए, एवरीथिंग वी यूज टू हैंडल इट अवर सिक्योरिटी पीपल. बहुत सारे लोग तोड़े निकाले, पूरे कैमरे हटाए, ये हमारी अंग्रेज की पायरेसी नहीं हुई थी. आपको कभी भी याद रखिए 175th डे सिल्वर जुबली के दिन हम लोग अपनी डीवीडी रिलीज किए थे, तब बाहर आई अंग्रेज की डीवीडी, जब तक नहीं आई. दैट वाज द रीजन बिहाइंड. तो जब भी पायरेसी का जमाना था, पायरेसी के जमाने में 365 दिन चलना पिक्चर बहुत बड़ी बात है. बाजू रंगदे बसंती चल रही थी 35mm में, हमारी पिक्चर फुल हो गया, बस रंगदे बसंती देखने जाते थे. रंगदे बसंती इवन हैदराबाद नवाब्स में जब मुन्ना भाई MBBS रिलीज हुई थी, तो हैदराबाद का कलेक्शन सबसे लो था. सर संजय दत्त साहब पीछे क्यों ऐसा है, तो हैदराबाद की पिक्चर आई इस मेलबई की और सलीम की और जहांगीर की, हैदराबाद नवाब्स वो टक्कर पे. इट वाज ए हाईली कलेक्शन वाज, अंग्रेज से ज़्यादा कलेक्ट करी पैसा. 285 डेज चली वो पिक्चर, और थर्ड मूवी हंगामा इन दुबई चली 100 डेज. डिस्कवर्ड ए न्यू काइंड ऑफ सिनेमा, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड ए न्यू इंडस्ट्री एंड वी हैव गिवन वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू द अदर फिल्म मेकिंग पीपल. But they are trying to do it, but they are not reaching that level. What they have to go, because the quality of movies, Frog in the Well, may have, you know, they have to come out with that. So that has to be done for the Hyderabad industry. Why? Because Hyderabad industry has a very potential market, but they don't know how to market. They just want to finish in a small budget and they'll get. They want lot of money. It cannot be possible. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ठीक है इंडस्ट्री शुरू हो गई है, पर अंग्रेज के बाद जितने भी दे हैवंट रीच दैट क्वालिटी, व्हाई? आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज पिक्चर देखने के बाद पब्लिक का एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा होता है कि दे वांट टू सी मच मोर इन एक्टिंग एंड मच मोर इन कॉमेडी अदर्स. अभी प्रॉब्लम क्या होगा हैदराबाद इंडस्ट्री में, पीपल आर जस्ट कनेक्टेड टू ओनली कॉमेडी, दे डोंट वॉन्ट टू गो फॉर द अदर जॉनर्स. Like there is lot of genres are there. Horror is there, thrill is there, adventure is there. Lot of genres of movies are there. Action movie is there. So people are not seeing that movie and producer is getting loss. If you put that inputs into the movie, why? Because हम लोग ऐसा कर दिए कि लोगों के दिलों में बैठ गए कॉमेडी छे. कॉमेडी से हट के बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दे हैव टू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑन दैट. सपोज आई मेक ए मूवी हॉरर मूवी, उसमें कॉमेडी नहीं है, टेक्निकल अच्छा है एंड आपका बोलते सो कैमरा वर्क अच्छा है, आर्टिस्ट अच्छे हैं,
बट उसमें कॉमेडी नहीं रहने की वजह से पिक्चर फ्लॉप हो रहा था, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ कॉमेडी चाहते हैं। अगर हम अमिताभ बच्चन को भी लाके हैदराबाद इंडस्ट्री में ठहराएंगे तो नहीं चलेगी पिक्चर, क्योंकि ऐसा होगा जैसा शाहरुख खान एक लव स्टोरीज करता तो पूरी वर्ल्ड में शाहरुख खान लव स्टोरीज करे तो जाके दिल में बैठा हुआ है, तो वैसा टाइप का होगा। ये हैदराबाद इंडस्ट्री ऐसी हो गई, विदाउट कॉमेडी देयर इज नो मूवी इन हैदराबाद इंडस्ट्री। डोंट यू थिंक डाइवर्स जॉनर्स, अगर ज्यादा टाइप के मूवीज होंगे जैसे कि एक लव स्टोरी होगी, एक कॉमेडी होगी और एक हॉरर होगी, थ्रिलर होगी, तो इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कहीं पे अटक गई है। अटक गई है, वी आर ट्राइंग टू रेटिफाई इट, वी आर मेकिंग अ वेरी गुड मूवी कॉल्ड ब्लैक कॉमेडी, एक अलग टाइप की कॉमेडी, आई विल शो यू द ट्रेलर आल्सो। वी आर ट्राइंग टू डू एज मच एज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाई, बिकॉज हमारे पास क्या ऐसा प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर्स दे सी रिकवरी फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दे पुट 25 lakhs, सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ 25 lakhs रुपीस, द ऑडियंस आर ओनली अप टू दैट लेवल, व्हाई, बिकॉज द ऑडियंस हैज टू गो टू सी दिस टाइप ऑफ मूवीज। थोड़े पिक्चर्स ऐसे बना दिए कि जिसमें कि वल्गैरिटी ये वो आ गई, उसके वजह से हम लोग को भी बहुत नुकसान हुआ, बट वी आर ट्राइंग टू रेटिफाई, आई डोंट नो हाउ मच कैन बी रेटिफाइड, आई डोंट नो। क्योंकि एक जमाना होता था जब श्याम बेनेगल की फिल्में आते थे, दैट इज अ आर्ट मूवी, दैट इज अ आर्ट मूवी, इफ यू गो फॉर अ हैदराबादी आर्ट मूवी नोबडी विल कम टू सी द मूवी, व्हाई, बिकॉज़ दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्ट मूवी, दे नीड ओनली कॉमेडी, दैट्स ऑल, सो दैट द एक्टर्स एंड सो एसेंशियली मनी स्पीक्स, मनी स्पीक्स, ओनली मनी टॉक्स, या व्हाट सपोज अ प्रोड्यूसर गोइंग टू प्रोड्यूस अ मूवी ऑफ 50 लाख, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी हाउ मच आई कैन रिकवर, हम लोग जितना करना चाहते कर सकते हैं जी, और उससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। आपको एक्टिंग छोड़ के फिल्म में कुछ और करते हुए देख सकते हैं हम? हाँ, मैं मेरा डायरेक्शन करने का है अभी नहीं, आगे करूँगा मैं। ओके, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ एक्टिंग करना है, आई हैव टू प्रूव लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव टू प्रूव इन बॉलीवुड ऑल्सो, आई हैव टू प्रूव इन टॉलीवुड ऑल्सो, माई मेन एम्बिशन आई वॉन्ट टू रीच हॉलीवुड ऑल्सो एज एन एक्टर, एवरीबडी हैज़ ए ड्रीम टू रीच the last levels, yeah, yeah. So I have mind, I have thought, I have process, I want to reach that level. ये हुआ आपका करियर का साइड। हाँ, लाइफ में सबसे अहम चीज़ क्या है आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिंदगी में? तो अपनी बेटी है, उसकी शादी करना है, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। I don't have any, I want a plane, I want a Mercedes, I want BMW, I don't have that. I have whatever I have, I'm happy. Stardom का ये famous होने का आप पर कोई मतलब ऐसा life changing ये हुआ कि? बहुत सारी चीज़ें हुई life में, लोग पहचानते हैं, मिलते हैं, photos खींचते हैं, घर पे दावत पे बुलाते हैं, जैसा हमारे भाई बुला लिया अभी अब वो जाना पड़ता क्योंकि हमारी बचपन की दोस्ती है, अदरवाइज दे विल थिंक दैट यार इसको एटीट्यूड आ गया, स्टार हो गया, स्टारडम बता रहा, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व, एट द सेम टाइम लॉट ऑफ पीपल विल do fingering also, hey, kaayar ismail bhai idhar aa bolte, so that time we have to be very normal, why, because if you revert, yeah, then you become people forget that aapko bas screen pe dekh ke ha aapko react karte hain, wo react kaisa hota hai, are screen pe aap budde dikhte hain, ab ye young jawan hai kya bolte hain ji, ab ye bahar ke bahar ho monster amar diye dekho, thank you so much, thank you for joining us, thank you ismail bhai, thank you. We look forward to your next film. Thank you so much.